बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नादिया नैना चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने ड्रेसेस की वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे ड्रेसेस है ना, वो हो गए थे तैयार, तो ईद से पहले मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। मैंने कहा चले अब आप सबके साथ वीडियो भी बनाते हैं और शेयर करते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरा कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि आपको पता है समर है, समर में जितने ज़्यादा ड्रेस बनवाए जाएँ तो उतने ही ज़्यादा कम लगते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो ड्रेस तैयार होके आए थे, मैंने कहा चलें आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। समर में कुछ ड्रेसेस जो होते हैं ना, मैं कहती हूँ लाइट कलर के अच्छे लगते हैं और कुछ ड्रेसेस डार्क कलर के भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे 3 ड्रेस दिए थे मेरी सिस्टर ने, तो मैंने कहा चलें इनको स्टिच करवाते हैं और आप सबके साथ शेयर करते हैं। 2 ड्रेस तो मुझे मिल गए थे, एक ड्रेस जो है मेरा टेलर के पास ही था, ये मेरे हस्बैंड ने बनवा के दिया था, तो मैंने कहा इसको भी शो करवा देती हूँ आपके साथ। न्यू ड्रेस ही था, एक बार ही मैंने वेयर किया था इसको। अच्छा जी, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे ड्रेस है ना, ये मैंने इस तरह से सिलवाया था। ये इसका ट्राउज़र है और इसके साथ ही पिनटेक्स 2-2 लाइन्स हैं पिनटेक्स की। और अब मैं आपको दिखाती हूँ शर्ट। ये देखिए शर्ट का इस तरह से मैंने बनवा लिया था गला। आपको पता है आजकल के फैशन में जो इन फैशन है वो प्रिंट यानी कि ट्राउज़र और शर्ट एक जैसी ही चल रही है। तो मुझे इतना ज़्यादा शौक था कि एक जैसा मेरा एक ड्रेस ऐसा हो जिसका ट्राउज़र भी प्रिंटेड ही हो। तो ये है इसका गला, अभी मैं आपको अच्छी तरह से ये दिखाती हूँ। इसी तरह ये दोनों साइड पर मैंने ना लैस लगवा ली थी और इस तरह से इसके हो गए बाजू पिनटेक्स के साथ ही। और जो शर्ट है थोड़ी मैंने लूज़ ही रखवाई थी। वैसे तो इस ड्रेस के साथ मैंने रेड कलर का दुपट्टा वेयर किया था क्योंकि मेरे पास रेड कलर का दुपट्टा पड़ा हुआ था, तो मैं सूट ही ढूंढ रही थी तो बाय चांस ही मुझे ड्रेस मिल गया। तो अभी मैं आई हुई थी अपने मेके, तो मैं वीडियो एडिट कर रही थी, रेड दुपट्टा पड़ा हुआ था मेरा इन लॉज और वीडियो एडिट हो रही थी मेके। मैंने कहा चले इसके साथ ब्लैक दुपट्टा रख लेते हैं और आप सबके साथ इस ड्रेस को शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी मॉडलिंग कर लेती हूँ आपके साथ और आपको अपना ड्रेस वेयर करके दिखाती हूँ। वैसे ब्लैक कलर का दुपट्टा भी अच्छा ही लग रहा था। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी चल 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 बुरी बात बुरी बात। अच्छा जी, अब मैंने कहा वैसे ना मैं वीडियो को इतनी मेहनत से बनाती हूँ, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है या इन ड्रेसेस में से आपको मेरा ड्रेस कौन सा अच्छा लगा। चलें जी, अब चलते हैं हम सेकंड ड्रेस की तरफ, जिसका ट्राउज़र था स्किन कलर का और इसमें रिबन लगवाया था मैंने, सॉरी रिबन नहीं, डोरी से डिज़ाइनिंग करवाई थी। वैसे मैंने टेलर से कहा था आपने रेड और ब्लैक डोरी से डिज़ाइनिंग करनी है, तो टेलर से मैंने कहा था कि आपने ब्लैक और रेड कलर की डोरी से ही ये डिज़ाइन बनाना है, तो वो कहते हैं कि रेड कलर की डोरी हमें मिली ही नहीं है। मैंने कहा चलें जी, अब तो कुछ कह नहीं सकते, अब तो ट्राउज़र हो गया था तैयार। अच्छा, ये थी शर्ट, इस पे इन्होंने लगाए थे बटन, और बटन मैंने कहा था कि कपड़े के बटन बना के लगाने, इन्होंने ये वाले बटन लगा दिए, क्या कह सकते हैं हम। मुझे तो खुशी ही नहीं हुई थी खुशी, लेकिन मैंने कहा फिर भी आप सबके साथ शेयर कर लेते हैं। बाजू बड़े अच्छे बने हुए थे, बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग की थी, इन टेलर की सिलाई भी वाओ वाली है वाओ, और इनका जो ओपन शर्ट का कट है ना वो भी इन्होंने कम ही रख दिया था। तो इसको भी हम वेयर करते हैं और थोड़ी बहुत मॉडलिंग करते हैं। इसकी जो शर्ट है ना, मैंने लॉन्ग रखवाई थी क्योंकि लॉन्ग शर्ट का भी काफ़ी ज़्यादा फैशन आया हुआ है। तो ये देखिए बाजू इसके इस तरह से बाजू हैं, अगर यही बटन साथ साथ लगाए जाते ना तो सूट में और अच्छी सी जान आ जाती, और इसका कट भी बहुत ही कम रखा है। बस अब आप बताएं क्या आपको मेरा ये सूट अच्छा लग रहा है, लग रहा है। ये जो ड्रेस है ना, ये है एथ्रिक का ड्रेस और इसके साथ जो दुपट्टा बहुत ही कमाल का था, लाइट वेट सा दुपट्टा था, इसका प्रिंट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। अब मैं आती हूँ थर्ड ड्रेस की तरफ। तो इसका जो दुपट्टा है नेट का दुपट्टा है, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है मिरर वर्क के साथ। तो इसके साथ ही अब मैं आपको दिखाती हूँ शर्ट, ऑरेंज पीच कलर का ये ड्रेस था, फुल थ्रेड और मिरर वर्किंग के साथ। तो इस पे इतनी ज़्यादा मैंने डिज़ाइनिंग नहीं करवाई क्योंकि ज़्यादा डिज़ाइनिंग करवाने से इसमें ना खिंच मिच मच जानी थी, क्योंकि जब जो शर्ट भरी हुई होती है ना उस पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग हो ही नहीं सकती। ये देखिए सी थ्रू शर्ट थी, तो इसके साथ जो है इनर साथ में स्टिच हुआ है,
बाजू इस तरह से इसके बना लिए। और ये मैंने लेस ली थी, क्रोशिया लेस, ये थोड़ी सी बाजू पे मैंने डिज़ाइनिंग इसकी बता दी थी। और अब मैं इसका आपको दिखा देती हूँ बैक। ये है इसका बैक, ये देखिए बैक से इस तरह से ये लगाई हुई है लेस। और बैक पे कलियों में ये मैंने क्रोशिया वाली छोटी सीढ़ी लेस टाइप है ये लगवा लिया था। मोटिव्स इस पे बना हुआ था, बाकी तो क्लियर है ये ड्रेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ ट्राउज़र। ट्राउज़र जो है ना, इस पे सिलाई लगी हुई थी वाइट कलर की ही। और थोड़ा ये मैंने इसका जो पाउचा है ना, मेरा ख़्याल 14 इंच बनवाया था। अब ये फुल लुक है मेरे ड्रेस की। मुझे तो वैसे ना फर्स्ट नंबर पे यही ड्रेस अच्छा लगा। बाकी आप कमेंट में बताएं आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलें जी आपको पहन के अच्छी तरह से वेयर करके दिखाऊं और आपको समझ आए मेरे ड्रेस की। मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रेसेस के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।